इस ज्योतिषीय ज्ञान के गहन चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस से मैं लग्न विशेष के बारे में और उन लग्नों में जन्मे जातकों के बारे में आपके समक्ष जानकारियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि संबंधित लग्नों में जन्मे लोग उन जानकारियों से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। अभी तक हमने मेष लग्न से लेके धनु लग्न तक के जातकों के विषय में बहुत सारी बातें जानी हैं। दोस्तों, कोई भी जानकारी तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि उस जानकारी से संबंधित जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न नहीं होती। इसलिए संबंधित लग्न जिनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ, उससे संबंधित व्यक्तियों के मन में प्रश्न, जिज्ञासा और अगर कोई विचार हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके समक्ष और भी ज़्यादा ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली वीडियोस लाता रहूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, भ चक्र यानी राशि चक्र जिसका विस्तार 360 डिग्री है, 360 डिग्री के विस्तार वाले इस राशि चक्र में 12 राशियाँ लग्न में उदयमान होती हैं या 12 राशियाँ होती हैं, जिनमें से कि प्रत्येक राशि लगभग 30 डिग्री विस्तार की मानी गई है। दोस्तों, इनमें से आज हम जिस राशि की बात बोलेंगे वो शनि के स्वामित्व और प्रधानता वाली राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि है, जिसका उदय अगर प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव में होता है तो ऐसा माना जाता है कि वह जातक मकर लग्न में जन्म लिया है। दोस्तों, इस राशि का विस्तार 270 डिग्री, 230, 300 डिग्री, 270 डिग्री से 300 डिग्री के मध्य होता है। यह एक चर स्वभाव वाली वाली राशि है और पुरुष संज्ञक राशि है। एक्चुअल में ये शनि ग्रह के स्वामित्व के कारण ये पूर्णतः पुरुष संज्ञक राशि नहीं कही जा सकती, इसको तरीके से निरपेक्ष या नपुंसक राशि माना जाता है। और साथ ही साथ इसका जो तत्व होता है वो पृथ्वी तत्व की प्रधानता लिए हुए होता है। इसलिए इस राशि में, इस राशि के लग्न में जो जन्मे व्यक्ति होते हैं उन्हें टिकाऊ या खप्पू माना जाता है। अब आइए हम जानेंगे कि इस मकर राशि लग्न में जो जातक जन्म लिए हैं उनका व्यक्तित्व, स्वभाव और उनका गुणधर्म कैसा होता है। तो दोस्तों, जो मकर राशि लग्न में उत्पन्न लिए हुए जातक हैं उसके विषय में मैं यही बोलूँगा, क्योंकि शनि के स्वामित्व में यह लोग जन्म लिए हैं, शनि के प्रभाव में ये लोग जन्म लिए हैं, तो इनका जो भाग्योदय है आम तौर पे जब इनकी आयु 30 वर्ष के बाद का समय लेती है तब होता है। मतलब इनके भाग्योदय में देरी होती है, इन्हें अपने इच्छित परिणामों को पाने में देर या विलंब होता है। यह लोग अपने उद्देश्यों में आत्म केंद्रित, संकल्पित और बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं। एक जिनको बोलते हैं वर्क अल्कोहलिक, मतलब अत्यंत कर्मठ होते हैं। अन्य समस्त राशियों से ये राशि परिश्रमी और एंटरप्राइजिंग, उद्यमी राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत कठोर भी होते हैं। इनका पैशन, इनका जुनून और इनका अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण दूसरों को अपने लक्ष्य के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता। ये कई बार बहुत रूढ़िवादी, बहुत रफ और बहुत बोलना चाहिए इसे कि ये अपने लक्ष्यों को पाने में, जैसे बोला जाता है ना, एट एनी कॉस्ट पाना चाहते हैं। इन व्यक्तियों में अनुशासन प्रियता और एक रूटीन जिसे बोलते हैं नित्यचर्या, बहुत संतुलित
और संगठित होती है। ये लोग मकर लग्न वाले व्यक्ति संगठन क्षमता में बहुत उच्च दर्जे के होते हैं। इनके विचार चर स्वभाव वाली राशि होने के कारण परिवर्तनशील होते हैं। ये अनुभव से बहुत सीखते हैं और इनके विचार इसीलिए एक से नहीं होते। इनके व्यवहार में इनका अनुभव इनके विचारों को इनकी बौद्धिक क्षमता को हमेशा परिवर्तनशील करता है। आमतौर पे लोगों से बहुत शांति के साथ आत्मसंयम के साथ मगर आत्म केंद्रित होके मिलते हैं और जरूरत पड़ने पे अपना रोग दाब और अपना बोलना चाहिए जैसे दबंगई दिखाने से पीछे नहीं हटते। बॉस जिसे बोला जाता है या एक उद्योगपति या फिर ऐसा लीडर जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कार्यों को करने की क्षमता रखता है, ये वो लोगों की राशि लग्न है। जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में आप जो अग्रणी लोगों को देखते हैं उनका राशि लग्न है। इस राशि का स्वभाव थोड़ा गुस्सेल, जिद्दी, स्वार्थी और कभी कभी चिड़चिड़ा और रूखापन पाया जाता है इनके व्यवहार में। अपने जीवन साथी से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल के रखते हैं। यद्यपि उनमें वो एक बोलना चाहिए एक काउंटर एबिलिटीज ना हो, लेकिन वो जीवन साथी से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं किसी भी, और इसलिए इनका वैवाहिक जीवन आमतौर पे बहुत सामान्य माना जाता है। आमतौर पे किसी भी विषय में बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, बढ़ चढ़ कर अपने विचार रखते हैं। इन्हें अपने विचारों को रखना बहुत पसंद होता है, मगर ये दूसरों की बात सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते। हाँ, ये चाहेंगे कि उनके विचारों को दूसरे सुने। अब हम ये जानेंगे कि इनके लिए जो अच्छा करियर क्षेत्र होता है, जो इनके लिए शुभ करियर क्षेत्र होता है, वो क्या होता है। दोस्तों, चर स्वभाव और पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण और राशि अधिपति शनि कर्म का प्रतीक ग्रह है। कर्म का मुख्य कारक ग्रह शनि है, तो यह इस राशि लग्न में जन्मे व्यक्ति किसी भी कार्य में बहुत सफल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें समर्पण, आत्मसंयम, संकल्प शक्ति, साहस, शौर्य, पराक्रम और जिसे बोलते हैं लगन, जुनून, किसी भी लक्ष्य के प्रति संगठन शक्ति, अनुशासनात्मक व्यवहार, अनुशासनशीलता जिसे बोलते हैं, बहुत ही उच्च दर्जे का होता है। ये लोग उच्च दर्जे के नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं। उद्योग क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र में ये लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। भूमि से संबंधित कार्य, चाहे वो खेती हो या रियल एस्टेट हो या फिर खनन हो, जिसे माइनिंग बोला जाता है। उसके अलावा पेट्रोकेमिकल, केमिकल और ऐसे कार्य जिन कार्यों में न्यायप्रियता होती है, शनि न्याय का प्रतीक ग्रह भी है, इसलिए ये लोग कानूनी क्षेत्र में जज, वकील, लीगल कंसल्टेंट, कानूनी सलाहकार, ये सब पोजीशन में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। अगर इनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, तो ये लोग बहुत उच्च दर्जे के इंजीनियर होते हैं। दोस्तों, जो मकर राशि लग्न में उत्पन्न लिए व्यक्ति हैं, उनके लिए शुभ अंक 5 और 7 होता है। शुभ रंग आसमानी, स्लेटी, हरा, काला और ग्रे, ये कलर, और डस्टी जिसे कलर बोलते हैं, धूसर कलर, वो भी उनके लिए बहुत शुभ होता है। जो शुभ वार है इनके लिए, प्रमुखतः शुक्रवार, शनिवार और बुधवार होता है।
गुरुवार के दिन कोई भी नया कार्य इन्हें नहीं करना चाहिए। इनके जो प्रधान देवता हैं वो शिव जी हैं और हनुमान जी हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मकर राशि लग्न में जन्म लिए हैं उन व्यक्तियों के लिए शुभ ग्रह कौन से हैं। दोस्तों, जो लग्नाधिपति शनि है वो प्रथम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण, हालांकि द्वितीय भाव मारक भाव है मगर केंद्रेश और त्रिकोणेश भी है ये। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया है, पिछले सारी वीडियो में आपको बताया है कि लग्न का जो अधिपति ग्रह होता है वो आपकी लग्न कुंडली में हमेशा सबसे शुभ ग्रहों में से एक होता है। तो शनि भी अपनी दशा, अंतर्दशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा में इन जातकों के लिए बहुत शुभ प्रभाव लेकर आता है। इसके अलावा जो शुक्र है उसकी जो दो राशियां हैं वो क्रमशः वृषभ राशि पंचम भाव में और तुला राशि दशम भाव में आती है। इसलिए शुक्र बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है मकर राशि में, और साथ ही साथ यह नैसर्गिक मित्र भी है शनि का और योग कारक बन जाता है इस राशि लग्न के व्यक्तियों के लिए। और अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में यह इन जातकों के लिए बहुत शुभ फल लाता है। अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ, अनेक प्रकार के आकस्मिक लाभ, कार्य क्षेत्र में, करियर में बुलंदी और सफलता इत्यादि बहुत सारे शुभ प्रभाव लेकर आता है शुक्र। इसके अलावा जो बुध है उसकी दो राशियां, पहली राशि जो मिथुन है वो छठवें भाव में और जो कन्या है वो नवम भाव में पड़ती है। दोस्तों, हालांकि यह षष्ठेश अशुभ भाव होता है मगर नवम भाव के का अगर स्वामी जो होता है वो त्रिकोणाधिपति होने के कारण उसे ही वरीयता दी जाती है, सप्तम भाव को वरीयता नहीं दी जाती। दूसरी बात यह है कि बुध भी शनि का जो लग्नाधिपति है, अधि मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए वह भी इस राशि लग्न वालों के लिए बहुत शुभ फल लाता है। और अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा में बुध का प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है। अब हम ये जानेंगे कि इस राशि लग्न में जन्मे व्यक्तियों के लिए समग्रह कौन सा है। दोस्तों, इस मकर राशि लग्न में उत्पन्न व्यक्तियों के लिए जो सूर्य है वो आठवें भाव का स्वामी है, उसकी जो राशि है सिंह राशि वो आठवें भाव में आती है। इसलिए सूर्य अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में कोई खास प्रभाव उत्पन्न नहीं करता या औसत प्रभाव उत्पन्न करता है, तटस्थ ग्रह माना जाता है। और यह अधिपति जो लग्नाधिपति है शनि उसका शत्रु भी है, इसलिए उसका प्रभाव कुंडली में बहुत शुभ नहीं होता। हालांकि अष्टमेश का दोष सूर्य को नहीं लगता। अब हम ये जानेंगे कि अशुभ ग्रह कौन से हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में कर्क राशि का स्वामी होने के कारण इस कुंडली में मारक और बहुत अशुभ ग्रह बन जाता है। अपनी दशा, अंतरदशा और महादशा में बहुत सारी परेशानियां, स्वास्थ्य संबंधी, करियर संबंधित, व्यवसाय संबंधित बहुत सारी परेशानियां लेके आता है, बहुत सारी विपत्तियां देता है, तो वो भी इस कुंडली के व्यक्तियों के लिए अशुभ प्रभाव उत्पन्न करने वाला माना गया है। इसके अलावा जो गुरु है वो तो गुरु वो नैसर्गिक मित्र भी नहीं है, और अपने जो राशि लग्न राशि स्वामी है शनि है, उनके मित्र नहीं माने जाते गुरु को, उनको उनका सम माना जाता है। और दो अशुभ भाव, तीसरे भाव और बारहवें भाव का स्वामी होने के कारण मकर लग्न वालों के लिए गुरुदेव कोई विशेष फल नहीं रहते और अशुभ प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा में। इसके अलावा जो मंगल है, मंगल की जो राशियां पड़ती हैं वो राशियां भी अशुभ भावों में पड़ती हैं। मंगल भी अशुभ भावों का स्वामी बन जाता है चौथे भाव और ग्यारहवें भाव में मंगल की राशियां पड़ती हैं, जिसके कारण मंगल भी अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में
बहुत अशुभ फल लेकर आते हैं। एक बात मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि मंगल जो है वो लग्नाधिपति शनि का नैसर्गिक शत्रु माना जाता है, इसलिए भी मंगल की दशा शुभ नहीं होती। हालांकि कुछ अनैतिक बोलना चाहिए, साधन बोलना चाहिए, या फिर काला धन बोल सकते हैं, अपनी दशा महादशा में वो ऐसे धन जरूर लेके आता है, लेकिन माता से कटुता देता है, घर में कटुता और कलह देता है। इसलिए मंगल का भी प्रभाव इस राशि लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर मंगल की उपस्थिति लग्न भाव में है तो स्थिति दूसरी हो जाती है। तो यह मकर राशि लग्न वालों के लिए एडवांस स्थिति होती है, बहुत अच्छी स्थिति होती है, और ये उनके प्रभाव को, उनके गुण धर्म को बहुत अर्थों में, बहुत आयामों में बहुत बढ़ा देता है। अब हम ये बात करते हैं कि मकर राशि लग्न के जो व्यक्ति हैं उनके लिए शुभ ग्रह कौन, शुभ जीवन रत्न कौन सा है। दोस्तों, शनि के स्वामित्व होने के कारण नीलम इन मकर लग्न जातकों के लिए शुभ जीवन रत्न है, जिसे ये पूरी जिंदगी पहन सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की दशा में, यदि शुक्र कमजोर है तो हीरा, और बुध की मां दशा में अगर बुध कमजोर है तो पन्ना भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी मकर राशि लग्न में जन्मे व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं, उनके बारे में बातें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।